हेलो बच्चों, वेलकम टू कुमावत क्लासेस। मेरा नाम है पृथ्वीराज कुमावत और मैं लाया हूँ आपके लिए जो कंपोजिशन पार्ट है सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड क्लासेस 9th, 10th, 11th, 12th इन सभी के लिए, वो है लेटर राइटिंग। स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग जिसमें हमने कंपेयर लेटर पढ़ लिया है, इसे आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, दे रखा है मैंने इसका बल्कि। तो आप लोग जो है, ये जो लेटर राइटिंग है इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा है, वो है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर में हमने जो पहले पढ़ा था वो इसके बारे में पढ़ा था, आस्किंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आस्किंग इन्फॉर्मेशन हमने पहले पढ़ लिया था। अब जो ये है सेकंड पार्ट जो है इसका, सॉरी, सेकंड पार्ट जो है वो है रिप्लाई ऑफ कोटेशन, या फिर हम बात करें तो रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन। यानी जो कंपनी को हमने पहले जो लेटर लिखा था वो कंपनी से हम इस इंफॉर्मेशन ले रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी हमें क्या करेगी, उसका रिप्लाई कर रही है। तो देखिए यहाँ पर उसका फॉर्मेट है, आप यहाँ क्या करें, प्रोडक्ट का नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने प्रोडक्ट के बारे में पूछा है, जो कंपनी से हमने जो जो बातें पूछी थी कंपनी हमें बताएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में विदाउट क्वेश्चन हम कोई भी वही एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो फर्स्ट हमने लिखा मैसर्स कौन है यहाँ पर, अब वो है द मैनेजर, द मैनेजर द अर्थ एंड कंपनी जयपुर, ये उसका एड्रेस हो गया। जो अब सेंडर है यहाँ पर लेटर को लिखने वाला है, और ये रिप्लाई है, ये रिप्लाई ऑफ कोटेशन है, रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन है, ये उसका रिप्लाई है जो हमने सबसे पहले लिखा था, वो किया था आस्किंग इन्फॉर्मेशन का। ओके, माइंड में रखिएगा, बार बार देखिए, पहले वाले वीडियो को देखिए तो दूसरा वीडियो ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ये किस रिलेटेड है। कॉपी पेन लेकर के जो है आप इसको लिख लीजिए, अच्छे से समझ लिए, बार बार वीडियो को देखिए। और इसमें जो है चार तरह के लेटर जो मैं आपको बताऊंगा, चारों तरह के लेटर में से फॉर्मेट से बताऊंगा, तो आप इसमें जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, देखिए फिर हमने यहाँ पर लिखा 30 अप्रैल 20 द रिटर्न डेट, जिस दिन लिखी गई थी, ये मैनेजर जो कंपनी के हैं उन्होंने लिखा, उसकी डेट आ गई है, ये ब्रांच से लिख रहा है। फिर यहाँ लिखा देखो न्यू कलेक्शंस 21 राजा पार्क जयपुर, ये सब परमानेंट एड्रेस, यस। सो देखिए न्यू कलेक्शंस, ये शॉपकीपर शोरूम जो भी है उसका एड्रेस है जिसने कंपनी से इंफॉर्मेशन मांगी थी। फिर हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो हमने लिखा है, तो सब्जेक्ट देखो वही आ जाएगा रिप्लाई ऑफ कोटेशन और रिप्लाई ऑफ आस्किंग इन्फॉर्मेशन, कैसा भी आप इसमें से कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके, आगे चले, देखिए फिर हमने लिखा जस्ट नीचे सर। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है फॉर्मेट आगे बताया गया है, सर विद रेफरेंस टू द अबो मेंशन्ड सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा आप कि जब भी लेटर को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग लाइन ऐसे ही होती है, तो हमने यहाँ लिखा विद रेफरेंस टू द अबो मेंशन्ड सब्जेक्ट। बार बार मैं लेटर में ऐसा इसलिए लिखता हूँ कि ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से लर्न हो जाए कि हम लेटर को किस तरह से बनाएं। जिस स्टूडेंट को 10 लेटर याद करना पड़े उसके बजाय इस लेटर के एक फॉर्मेट को याद करो और यहाँ पर क्वेश्चन को अप्लाई कर दो, तो आपका पूरा का पूरा जो है आंसर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, वी थैंक यू, हम आपका धन्यवाद देते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंक्वायरी। देखो कंपनी बोल रही है उस दुकानदार को, उस शोरूम वाले को, उस होलसेलर को जो कंपनी को आस्किंग किया था, पूछा था, वी थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंक्वायरी ऑन डेटेड 25 अप्रैल, क्योंकि पहले लिखा गया था एड्रेस, ये पहले मतलब लेटर लिखा गया था, तो कंपनी उसका रिप्लाई 30 अप्रैल कर रही है, और इसने कब पूछा था, 25 अप्रैल को पूछा था। ओके, वी आर प्लीज, हमें खुशी हुई है टू नो ये जानकर दैट यू आर इंटरेस्टेड इन आवर प्रोजेक्ट। कंपनी क्या बोल रही है कि हमें खुशी है कि आप जो है रुचि लेते, इंटरेस्टेड हैं इन आवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट में। सो वी आर सेंडिंग यू, इसलिए हम आपको सेंडिंग कर रहे हैं, भेज रहे हैं द कोटेशंस, कोटेशन होते हैं मोल भाव, दर वगैरह जो है वो कंपनी के थ्रू, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस। देखिए कंपनी के कुछ TNC होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जस्ट एज टर्म्स एंड कंडीशंस, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी,
कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कंपनी जो है कोटेशन भेज रही है। देखिए आप इसको समझिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है कि आप लोगों को क्या बताना है, यहाँ क्वेश्चन में इतना पूछा है कि किसी शॉपकीपर ने, किसी होलसेलर ने आपसे कंपनी से जो है किसी प्रोडक्ट का कोटेशन मांगा है, चाहे पर्टिकुलर कोई कोटेशन स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, स्टेशनरी से रिलेटेड हो, समझ में आ रहा ना, तो उनसे रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसका कोटेशन कंपनी सेंड कर रही है, तो कंपनी अपना प्रोडक्ट खुद लिखेगी और अपना अमाउंट खुद लिखेगी, अपने डिस्काउंट, अपनी क्वांटिटी, आप किस क्वांटिटी में माल को परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या हो करना होगा, एक छोटी सी जो है एक यहाँ पर एक सारणी बनानी होगी, क्लियर है। तो इसमें देखिए 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम ऐसे 1, 2, 3, 4 मैंने एज ए पैटर्न में बनाए हैं, एस एन सीरियल नंबर 1, 2, 3, सेकेंड में आइटम्स, नेक्स्ट क्वांटिटी, अमाउंट एंड डिस्काउंट। आइटम्स में प्रोडक्ट का नाम आएगा, कंपनी सपोज दैट द अर्थ एंड कंपनी जो है किसी स्पोर्ट्स की कंपनी है, हमने स्पोर्ट्स नहीं डाला लेकिन वैसे लिखा है, तो यहाँ लिखा बॉल, फुटबॉल एंड बैट, तो बॉल की क्वांटिटी 100 में बताइए कंपनी जो बता रही है, फिर यहाँ पर कंपनी बता रही है फुटबॉल को 50 में बता रही है और बैट 20। अमाउंट कंपनी बता रही है कि आप जो 100 बॉल लेते हैं उनका अमाउंट पड़ता है आपका 500, ठीक है। यहाँ पर फुटबॉल का है 1000 एंड बैट है 700 और कंपनी इन पे जो टोटल ये डिस्काउंट हमेशा टोटल पे होता है, ठीक है। तो इससे क्वांटिटी पर आप अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो इतना अमाउंट लगता है और उसमें 10% डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाता है, तो ये कंपनी ने कोटेशन बनाया, ठीक है। अब देखिए लास्ट लेटर में हमने जब पूछा था कंपनी से पूछा था कि ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस वो क्या होंगे, देखो डिस्काउंट बताया कंपनी ने, यूजुअल डिस्काउंट क्या है वो कंपनी बता रही है, हम कंपनी क्वांटिटी बता दी, अपना प्रोडक्ट बता दिया। तो देखिए यहाँ पर द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी चार्जेस विल बी बियर, बियर का मतलब वहन करना, ट्रांसपोर्ट और डिलीवरी चार्जेस यानी ट्रांसपोर्ट जो गाड़ी वहन वगैरह का, ये जो है यहाँ पर डिलीवरी चार्जेस जो माल मटेरियल का जो पैसा लगेगा, डिलीवरी चार्ज लगेगा, वो विल बी बियर फ्रॉम आवर साइड, कंपनी क्या करे फ्रॉम आवर साइड, हमारी तरफ से होगा। अब कंपनी से हमने पूछा था पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, हाँ माइंड में आया, तो वी एक्सेप्ट द पेमेंट ओनली थ्रू DD, देखो यहाँ पे मिलेगा DD, इसका मतलब है डिमांड ड्राफ्ट, ना ही चेक ना ही कैश, ओनली डिमांड ड्राफ्ट। तो वी एक्सेप्ट द पेमेंट, हम पेमेंट को स्वीकार करते हैं ओनली थ्रू DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट। और अपने कंपनी से यही पूछा था उस टाइम पर कि इट इज पॉसिबल टू परचेज ऑनलाइन, है ना, तो कंपनी क्या करी, देखो यू मे परचेज ऑन ऑनलाइन, आप जो है ऑनलाइन खरीद सकते हैं ऑन अपनी वेबसाइट बता दिए कंपनी से, कोई भी वेबसाइट आप तैयार कर सकते www.earth.in, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारा एक फॉर्मेट बना है बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी वे में, और लेंथ भी बना है जो वर्ड लिमिटेशन अपन 125 लेके चलते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आप जो है इसको ऐसे से लर्न कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से जो है, और लास्ट में देखिए यहाँ पर जो है हमने लिख दिया थैंक यू और योर्स, और यहाँ पर जो है कंपनी का मैनेजर लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए उनसे रिलेटेड बिजनेस लेटर में रिप्लाई कोटेशन से रिलेटेड, तो कोटेशन में आप ये मैटेरियल यूज करके आप अपने क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, अच्छे से जो है रिप्लाई को तैयार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये था हमारा वीडियो जो बना था बिजनेस लेटर पे, वो था रिप्लाई ऑफ कोटेशन आस्किंग इंफॉर्मेशन, रिप्लाई से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसका तीसरा पार्ट लेकर के, कंपनी से हमने पूछा, कंपनी ने जवाब दिया, अब हमें जब अच्छा लगा तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो जो ऑर्डर प्लेस करेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो में जो है पैटर्न लेके चलेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपसे फिर बार बार मैं गुजारिश करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जो इसको शेयर करें, उनको भी बताएं कि अच्छा पैटर्न जो है लिखने को मिल रहा है जो किसी ग्रामेटिकल पार्ट में किसी बुक्स में जो है ऐसा पैटर्न नहीं मिलता है, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा नहीं भूले। ओके, गुड डे, गुड बाय स्टूडेंट्स, जय हिंद।